है, मैं तेजस्वी जी को एक बार देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि ये नवयुवक हैं और वो उम्र दराज हैं, क्या इनको भी मौका दिया जाए? क्योंकि जब तक इनको मौका नहीं दिया जाएगा तब तक हम कैसे देख सकते हैं कि हमारा तेजस्वी यादव बिहार में क्या काम कर सकता है। इसीलिए मैं तेजस्वी यादव को एक बार मौका देना चाहता हूं, ये हमारा राय है। और मैं नीतीश जी जब भी पार करते हैं इस रोड से, अपना गृह जिला जाते हैं, तो मैंने कई अखबार यहां हाथ देने का प्रयास किया, लेकिन नीतीश कुमार जी क्या वो जनता के बोली को नहीं सुन सकते हैं? जनता को नहीं सुन सकते हैं? कभी इस रोड से जाते हैं तो रोकने का काम नहीं किया? क्या कर, मैं उसका सेवक नहीं हूँ? मैं भी उनका वोट देता हूँ। यहाँ की जनता करीब करीब एकजुट है और हम लोग सोचे हैं कि जो विकास के काम करेंगे या किए हैं उन्हीं को लोग के वोट देंगे। जैसे है कि स्कूल का निर्माण करना, हेल्थ में सुधार करना, पढ़ाई में ध्यान देना, लेकिन करीब करीब लगता है कि यहाँ के जो विधायक हैं वो तो एकदम बैठे हुए हैं, यहाँ फिर दोबारा आए नहीं। जो वर्तमान विधायक हैं वो अभी आए हैं नहीं दोबारा जात के जीत के, वो सिर्फ खुशरूपुर और बख्तियार कुमार जी महतो जी हैं, तो दुनिया भर के महात्मा इंजीनियर्स में चल रहे हैं। यादव जी के ठेल दिए, यादव जी के गांव में नलो जल नहीं है, यादव जी के गांव में नल जल भी नहीं है, सोचिए कैसा काम हुआ। जातिवाद का काम हो रहा है, हमारे गांव में नल जल तक का काम यही समझिए, जातिवाद का काम हो रहा है, हम लोग के नहीं काम होता है। नीतीश कुमार जी रहेंगे जब तक यादव जी के गांव में कुछ नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राज नेटवर्क, और हम इस वक्त मौजूद हैं पटना जिले के फोरिल बीघा गांव में। ये जो आप गांव देख रहे हैं, ये गाँव है फोरिल बीघा। हम यहाँ बोलो तो बिहार करने आए हैं, यानी बिहार की जनता से सीधा संवाद करने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बोले तो बिहार, और बिहार की जनता आने वाले चुनाव में क्या कुछ फैसला सुनाने वाली है, इनके मन में क्या कुछ चल रहा है, ये हम बिहार की जनता से ही जानते हैं। जैसा कि हम आपको बताए कि ये फोरिल बीघा गांव है और गांव के मुहाने पे यहाँ पे देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि अभी विधानसभा के चुनाव में महज 3 महीने रह गए हैं, तो क्या सोचे हैं आप लोग कुछ चुनाव को लेकर? हम लोग यहाँ के जनता करीब करीब एकजुट हैं और हम लोग सोचे हैं कि जो विकास के काम करेंगे या किए हैं उन्हीं को लोग के वोट देंगे। जैसे है कि स्कूल का निर्माण करना, हेल्थ में सुधार करना, पढ़ाई में ध्यान देना, लेकिन करीब करीब लगता है कि यहाँ के जो विधायक हैं वो तो एकदम बैठे हुए हैं, यहाँ फिर दोबारा आए नहीं। जीत के जो वर्तमान विधायक हैं वो अभी आए हैं नहीं दोबारा जात के जीत के, वो सिर्फ खुशरूपुर और बख्तियारपुर में ध्यान देते हैं। दनियावा प्रखंड के बारे में कोई ध्यान नहीं दिए और न 1 रुपया के काम किए हैं आप दनियावा प्रखंड में। हम लोग के यह देखिए पानी भरा हुआ है बगल में, तो हम लोग है जो विकास जो काम करेंगे उन्हीं को वोट देंगे, विकास पे वोट करेंगे। आपने कोई ये सोचा है कि मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा? और 15 साल से नीतीश जी हैं, तो आप उनके शासनकाल को, 15 साल के शासनकाल को कैसे देखते हैं? 15 साल का शासनकाल करीब करीब ठीक रहा है, उसमें कोई इतनी बुराई नहीं है। जनता जनार्दन है तो हर एक का डिमांड अलग अलग, सबको तो पूरा नहीं कर सकते हैं लगभग, लेकिन नीतीश कुमार जी का शासन लगभग ठीक रहा है। और जहाँ तक है विकास की बात, तो करीब करीब पटना नालंदा में तो सबसे ज़्यादा विधायक में विकास का काम हुआ है, इसलिए उनका लोकल गृह क्षेत्र रहने के कारण यहाँ विकास हुआ है पटना नालंदा में। आप बताइए, आप मुख्यमंत्री के 15 साल नीतीश जी के शासनकाल को कैसे देखते हैं? 15 साल शासन नीतीश जी को मैंने देखा, लेकिन हमारी जो मन कह रहा है, मैं तेजस्वी जी को एक बार देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि ये नवयुवक हैं और वो उम्र दराज हैं, क्या इनको भी मौका दिया जाए? क्योंकि जब तक इनको मौका नहीं दिया जाएगा तब तक हम कैसे देख सकते हैं कि हमारा तेजस्वी यादव बिहार में क्या काम कर सकता है? इसीलिए मैं तेजस्वी यादव को एक बार मौका देना चाहता हूँ, ये हमारा राय है। और मैं नीतीश जी जब भी पार करते हैं इस रोड से, अपना गृह जिला जाते हैं, तो मैंने कई अखबार यहाँ हाथ देने का प्रयास किया, लेकिन नीतीश कुमार जी क्या वो जनता के बोली को नहीं सुन सकते हैं? जनता को नहीं सुन सकते हैं? कभी इस रोड से जाते हैं तो रोकने का काम नहीं किया? क्या कर, मैं उसका सेवक नहीं हूँ? मैं भी उनका वोट देता हूँ, लेकिन वो कभी भी पार करते हैं तो नहीं रोकते हैं। देखिए हमारा स्कूल जो है पानी में डूबा हुआ है, हमारा स्कूल बंद रहता है बरसात के आने के दिनों में, कभी
उसमें जाने का रास्ता नहीं है। बगल में एक मंदिर तैयार हुआ है, हम लोग को कोई रास्ता नहीं है। देखिए, मैं इसलिए रोकवाना चाहता था कि हमारा जो है गांव ग्राम में अगल बगल में नाला का निर्माण नहीं होता है। रोड वाले से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मान लिया जाए मुख्यमंत्री जी हमारे रोकते तो मैं रागमाऊ का समस्या दूर हो सकता था, और भी लोग यहाँ है जिनकी जो समस्या थी वो सुना सकते थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो अपना मशगूल अपना घर में मतलब रहते हैं, नालंदा जिला को देखते हैं, हम लोग को कहाँ देखते हैं, वो तो अपना देखते हैं समाज को। पर्सनल काम करने के लिए जहाँ तक बात है, बोली विचार की बात है और रहन सहन की बात है, तो मुख्यमंत्री जी में ये सब पाया जाता है, उनको हम शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन मैं तेजस्वी यादव को एक बार बिहार का मुख्यमंत्री देखने का हमको सपना है कि ये कैसा काम करते हैं, मैं इसको देखना बहुत ज़्यादा चाह रहा हूँ कि तेजस्वी जी बने, क्योंकि लालू जी भी थे तो सबसे ज़्यादा गरीब को ही आगे बढ़ाएं। क्यों गरीब को आगे बढ़ाएं? लालू जी ने किसी के घर में चोरी हो रही है, मान लिया जाए आपको चोरी वक्त लालू जी जगा दिए कि चोरी मत करो, तो इसने कौन काम किया? लालू जी जगाने का काम किया, थाना में ब्लॉक में डीएम के यहाँ एसपी के यहाँ भेजने का कौन काम किया? हमको लालू जी ने सिखाया कि बाबू तुम्हारा डकैती हो रहा, चोरी हो रहा, तुम्हारा हक दूसरा कोई लूटा जा रहा, तुम भी अधिकार मांगो, ये हमको लालू जी ने जगाया। तो मैं तेजस्वी यादव को एक बार देखना पसंद करता हूँ। ये बताइए कि जैसा कि ये कह रहे कि हम तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं, आप कहे नीतीश जी ने अच्छा काम किया है, लालू राबड़ी के शासनकाल को जंगल राज कहा जाता है, क्या कहेंगे? वो सब जमाना था जो खत्म हो गया है, तो क्राइम तो करीब करीब नीतीश जी की भी राज में नहीं रुका, और क्राइम अभी भी हो रहा है, होते रहेगा, उसको कोई कंट्रोल करने वाला, जब तक हम लोग अपने जनता नहीं बदलेंगे तो सरकार आने से क्राइम पर कंट्रोल नहीं होगा। जब जनता स्वयं अपने आप बदलेगी तो क्राइम पर कंट्रोल होगा, इसलिए सरकार बदलने से क्राइम और जंगल राज, इसे आज भी जंगल राज है, आज भी लूट चोरी डकैती हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। हाल ही में कल परसों देखे कि पीएमसीएच में एक लड़की के साथ रेप हो गया, जब अस्पतालें सुरक्षित नहीं है तो फिर हम देहात गांव के क्या सुरक्षित रहेगा? इसलिए सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा, जब तक पब्लिक और हम लोग नहीं बदलेंगे तो सरकार कोई भी कंट्रोल क्राइम नहीं कर सकती। बिहार का अगला मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं आप? बिहार का अगला मुख्यमंत्री तो ऐसे भी होता है, जैसे सत्ता परिवर्तन होते रहता है तो ठीक रहता है, एक आदमी के हाथ में सत्ता रहता है तो वह सहनशाह हो जाता है, इसलिए अगर बदलाव होता है तो अच्छी बात है। आप साफ साफ क्यों नहीं बोलते हैं? साफ साफ बोलिए बदलाव, आप बिहार का अगला मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? अगला मुख्यमंत्री तो लगभग सभी का राय है कि तेजस्वी यादव ही होना चाहिए। जो नीतीश कुमार जी हैं 15 साल में कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किया, विकास की गंगा बहाए हैं, देखिए सब दिया गया, पुल मंदिर इसमें सब स्कूल का रास्ता नहीं है, पुल बनावे के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, रुक रहे हैं नहीं, और लिया गाँव 15 साल में नीतीश जी ने क्या काम किया? कुछ काम न किया, कुछ काम कहे कि विकास की गंगा बहा दी गई। गंगा कैसे देखिए कि बहा दी है, साब काम तो देख रहे हैं कि बात है, हॉस्पिटल में जाता है तो भगा देता है रोग, बात है वाला आदमी आवा जाएगी तो कभी ना रहा या तिया को जी कहो पहचान पत्र तो दाबू ने दे गुजरात रह, हाँ ये भलाई हुआ, अब माई दिली छूट भी गया, चीज बनाए हैं जिसमें तो हम लोग का रास्ता अवरुद्ध कर दिए। एक बात बताइए बाबा जी, पहले कह रहे हैं कि बिहार में सड़कों की जाल बिछा दी, अच्छी सड़कें बना दी, अच्छा उसके बारे में हम बात करेंगे, हाँ एक रेक इनके कहे गए, आप बताइए ना, आपने देखी थी इतनी अच्छी सड़कें? हमें रास्ता सड़क तो बहुत देखे लेकिन खेती बाड़ी की व्यवस्था कुछ नहीं, क्या हमने कहे किसान को अथी करावे रसीद कटावे मोटेशन करावे कैसे इनको माने की भाई हमारा गरीब के काम कर रहे हैं। ये बताइए कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? वो तो बात है कि भविष्य बता, हम अपने कुछ न, भविष्य में जनता तय करती है, आप भी जनता हैं, आप किसी के बारे में सोच रहे होंगे कि ये नेता जो है अच्छा? नाम सोचे वो टाइम आगे बताए, क्या बात है जो जखने वक्त आगे काम करेंगे। कोई नेता अच्छा लग रहा है आपको जिसको आप वोट कर रहे हैं? नेता तो बात है कि वह बनाए बात है कि एक रोज देखे नहीं आया कि मर गया कि बच गया, वो अभी तत्काल में नेता विधायक है ना, ये तो देखे तक आया है, वोट दिया है तब वोट बेरा 4 बेरा 5 बेरा यहाँ से बाले बैठे जाकर फिलहाल पूरे दिए हैं पैदल,
लेकिन फिर भी एक और यहाँ आया कि हाँ हमारा जनता इस गांव का बचता है या मर गया। नीतीश जी को एक और मौका देंगे या फिर कोई दूसरा? अब तो भविष्य तो बतला रहा, अभी नहीं कहा, भविष्य बतला। अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको मौका मिलना चाहिए ना। अच्छा काम करेंगे तो वो आगुए में आ जाएंगे, समझ लो कि वो आगू में आ गए तो ठीक, अभी तो बात है तो सोचेंगे नहीं, सोचेंगे बात है अलग। आप बताइए, आप कैसे देखते हैं नीतीश जी के 15 साल के शासनकाल को? हम कुछ नहीं देख रहे हैं सर, हम कुछ यहाँ कुछ नहीं किए विकास का काम। जैसे हम लोग का सबसे पहले हम लोग किसान हैं, किसान को हम लोग का क्षति हुआ, जितना भी बाढ़ से क्षति हुआ हम लोग का मसूर में रबी फसल में, कुछ नहीं मुआवजा मिला। सब लिख पढ़ के DM भी गए यहाँ देख कर के, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिला। उसके बाद ये छिलका बनाए, रोड बनाया नया, इसमें हम लोग का आने जाने के लिए यहाँ पर पुल नहीं बनाया गया, कृषि हम लोग वहाँ पट्टी किस कैसे करे जाएंगे। तीसरी बात, हम लोग ब्लॉक में गए आज नहीं 10 साल से हम लोग मलगुजारी कटाने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को नहीं आज तक ऑनलाइन चढ़ा रहे हैं, तो हम कैसे समझें कि सरकार अच्छा है। सरकार कहती है कि हम बिहार में विकास की गंगा बहा दिए, हर क्षेत्र में विकास हुआ है, हमारे यहाँ कोई विकास नहीं है, हम कुछ नहीं देखे यहाँ। हमारे यहाँ ना सुविधा हुआ, ना हॉस्पिटल हुआ, जा करके स्कूल हुआ, स्कूल भी बनाया तो बेसाइड में बनाया कि बाढ़ क्षेत्र में, तो वहाँ भी कंसिल हो गया, वहाँ भी पढ़ाई बंद है, पंचायत भवन भी नहीं है, यहाँ वाटर सप्लाई भी नहीं है, यहाँ कुछ है ही नहीं है, यहाँ कोई विकास नहीं, नल जल का भी काम। क्या वजह है कि आपके गांव को इतना उपेक्षित रखा गया? अभी सोचिए कि जो यहाँ क्यों हम लोग के बैकवर्ड के लेकर के यहाँ मैंने अति कर दिया होगा। नीतीश कुमार जी तो बैकवर्ड ही हैं, बैकवर्ड हैं, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं किया, अफसर लोग तो फॉरवर्ड हैं। जल नल का तक का काम नहीं हुआ, हाँ जी कुछ नहीं किया। या गांव के लोग एक्टिव नहीं हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है? एक्टिव तो है ही बेचारा, लेकिन क्या करे, यहाँ के ब्लॉक है जो खत्म है, दनियावा ब्लॉक है जो एकदम खत्म है, जीरो है, कोई सब लुटेरा है, कुछ नहीं देता है। ये बताइए कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देखना चाहेंगे? वो तो अब ठीक है कर रहे हैं कि समय बतावेगा, हम लोग वही इंतजार में हैं कि कौन नया रूप में उभरेंगे, उन्हीं को हम लोग देंगे। नीतीश जी को एक और मौका नहीं देंगे? मौका नहीं मिला, नहीं मिलेगा। तो आप किसको देखना चाहते हैं अगला मुख्यमंत्री के तौर पर? वो कह रहे हैं कि विकास में जैसे कि यहाँ पर नया उभरेगा, उसी को हम लोग चेहरा चिन्हना चाह रहे हैं, कौन हमको विकास करेगा। नाम लेने से क्यों हिचक रहे हैं? नाम लेने से इसलिए हिचक रहे हैं कि आप नाम लिए और वो भी दब काम सोच रहे हैं कि करेगा, तो उसको नहीं तीसरा को देंगे, कोई उभरेगा नया पार्टी तक। ये बताइए कि नया पार्टी तो नहीं उभरेगा, जो पार्टी है उसमें कौन अच्छा लग रहा है? वो हम नहीं बता सकते, अभी नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे भाई, गुस्साए हुए हैं क्या? हाँ सब जितना आया जाए सब तो वही काम करता है, क्या करें, नया पार्टी कोई उभरेगा तो हम लोग देंगे, अभी सोच में पड़ल है। दो आदमी सामने हैं, नीतीश जी और तेजस्वी, दोनों में कौन अच्छे? ऐसे तो नया नवयुवक में तेजस्वी बढ़िया है। दोनों में चुनना होगा तो किसको चुनेंगे? तेजस्वी को चुनेंगे। अभी मुख्यमंत्री ने 15 सालों में कैसा काम किया? काम तो किया यही कि नीतीश कुमार जी महतो जी हैं तो दुनिया भर के महात्मा जी नर्स में चल रहे हैं, जादव जी के ठेल दिए, जादव जी के गांव में नलो जल नहीं है, जादव जी के गांव में नल जल भी नहीं है, सोचिए कैसा काम हुआ, जातिवाद का काम हो रहा है, हमारे गाँव में नल जल तक का काम है, यही समझिए जातिवाद का काम हो रहा है, हम लोग के नहीं काम होता है, नीतीश कुमार जी रहेंगे जब तक के यादव जी के गांव में कुछ नहीं होगा। आपके गांव में विकास का कोई काम नहीं हुआ? कोई काम हुआ, एक नाला बना है, इसमें जानवर आदमी सब गिरता है, सब गिर जाता है, जबरदस्ती रोड वाला से खनवाए हैं कि पानी नहीं निकलेगा, नल दिए लकारी में। आपके पास सामने तो इतनी अच्छी सड़कें बनी हुई है, सड़क बना ले, हमें ये खेत ले ला के सस्ते में और खेत बना दे रोड बना ले, हम लोग का बात कीजिए, जैसे हमारा रोड में खेत भी चल गया तो पैसा भी कम मिला, जो आवासीय होना चाहिए वो कृषि में दिए हैं, 1 लाख रुपये कट्ठा, कहीं कहाँ खेत है बताइए, नीतीश कुमार जी से पूछिए कि कहाँ बनाए 1 लाख के कट्ठा जमीन है, हम लोग के जमीने खरीद दें, जो रोड गई 100 साल पुराना रोड है कि 50 साल पुराना रोड है, और उसके बगल में जमीन है,
और वो 1 लाख के कट्ठा दिए हैं। नीतीश कुमार देंगे खरीद के 1 लाख के कट्ठा? कैसे उसको हम ढलाई करेंगे? करस तो करके कर मर रहे हैं। हम लोग तो चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार बनावेंगे। ये बताइए कि जातिवाद नीतीश कुमार कर ही रहे हैं तो हम लोग भी जातिवाद करेंगे। ये बताइए कि किसानों को जो मुआवजा दिया जा रहा है उसमें भी बहुत अच्छा काम किए हैं नीतीश जी? ना वहाँ दाह गली मासूरी फोटो कर ले लीजिए कल की से सब कैंसिल हो गया। कैसे एकड़ काल के जी फार्म सब के नहीं कि 4000 के एकड़ की 8000 के एकड़ काल के है जो 2000 के एकड़ में भी वो में कितना के नहीं मिली। ये बताइए कि नीतीश जी के 15 साल के शासनकाल से खुश हैं कि नहीं? खुश नीतीश जी से उनके से क्या खुश के रहने के लिए खोजते हैं ये पहले आप बताइए। क्या उनको उद्देश्य क्या है? हमारा कहने का मेरा सवाल ये है कि 15 साल में उन्होंने आपके लिए बिहार के लिए अच्छा काम किया बुरा काम किया कैसा लगता है आपको? अरे हमारे लिए तो सब कुछ दबे काम लगता है। काम जो किए आपको नहीं सूझ रहा है? आप हूँ पत्रकारी काम कर रहे हैं तो आप लोग को पता लग रहा होगा कि क्या काम हो रहा है बिहार में। बिहार में तो कहते हैं कि जो जंगल राज से मुक्ति दिला दिया बिहार तो जंगल राज तो ठीक ही था वो तो कम से कम जंगल राज था ना क्योंकि जानवर लोग चराते थे लोग गरीब से बड़का लोग से आ गए। इसमें तो है कि बेचारा यहाँ टीचर दिए हुए हैं स्कूल में जी। जो हो टीचर के वह ब्लॉक में अथी काम लेते हैं उनसे यहाँ टीचर एगो टीचर है एगो टीचर ले जा रहा है और जो ब्लॉक में उससे काम लिया जाता है और क्लर्क वहाँ बहालिया है ये तो ये फिर यहीं लेते हैं काम उसी टीचरे से। बच्चा यहाँ है जो बच्चा इसी देखिए ना इसमें टंग टंग कर रहा टंग रहा इस समझते हैं कि विकास से काम हुआ काम विकास क्या है ना। स्वास्थ्य को लेकर कैसा कह रहे हैं कि स्वास्थ्य में भी बढ़िया काम किए हैं? स्वास्थ्य में तो बढ़िया किए हैं कि डॉक्टर एक एक नंबर भेज ही दिए हैं अपने अस्पताल में जैसे यहाँ पर खूब अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। एक मौका और उनको देंगे या किसी और को चाहेंगे अगली बार? अगली बार तो आप कौन उभरते हैं उनको कौन देख ले है? आप ही बता सकते हैं पत्रकारी काम करते हैं कौन उभरेगा? अरे तो इनको तो बता सकता है भविष्यवाणी वाला बात आप बोल रहे हैं हम लोग से। अरे इस समय भविष्य तो सर्वे होल कर आपने सोचा होगा ना कि अभी आप 5 साल में चुनाव होता है तो आप तो ये सोचे होंगे ना कि मतलब 5 सालों में किसने बढ़िया काम किया और वो कौन चेहरा है जिसको आप अगला मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरे ने क्या दीजिए? अरे नया चेहरा की बदल दीजिए आओ का सब लोग के तो यही राय है कि बदल दिया जाए। बदल के किसको लाना चाहते हैं? बदल के राम विलास के बच्चा को आ जाए तो और बढ़िया है। कोई में रह में रहती चिपा भाजपा में रहती तो ना करती काम और कोई तो काम करना चाहिए ना। अरे बेचारा कोई भविष्य में आगे जरा कर दे कि मेरा वही भी काम है। मुझे लग रहा है कि आप सही से नाम नहीं ले रहे हैं। चिराग पासवान के बारे में बोल रहे हैं ना? हाँ चिरागे पासवान के बोल रहे हैं क्या उसका बेचारा मुँह नया जो नया है जिसका ही देना चाहिए मुख्यमंत्री कोई पार्टी में रहे। लेकिन आपका इशारा कहीं और है। इशारा तो आप ही बता दीजिए कहाँ इशारा है जे ये आप बोल रहे हो कि वो सब लोग तेजस्वी बोले इसलिए वह कहते हैं। आप बहुत ही मुस्कुरा करके बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। नहीं इनका देखिए तेजस्वी कैसे आ सकते हैं बेचारा या बेचारा और कोई जैसे कि कौन तो मुस्लिम है वो लोग तो इनसे ज़्यादा आगे हैं। अगर तेजस्वी बेचारा नहीं आ सकते तो चिराग बेचारा कैसे आएंगे? उनका 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 भाजपा में है इसलिए उनका बहुबली ज्यादा यहाँ उनका ही अथिये है जैसे आ सकते हैं। आओ का यहाँ जाति कास्ट तो इलेक्शन ही हो रहा है। सही बात बोल रहे हैं। तब तो तेजस्वी ही आएंगे। तेजस्वी कैसे आएंगे? जहाँ 2 गो बाघ है जहाँ 1 गो बकरी तो उस कैसे आ सकते हैं तेजस्वी? अरे बताइए कैसे आ सकते हैं? चिराग तो नहीं आ पाएंगे। चिराग कैसे? चिराग के सब लोग चाहते हैं इसलिए आ सकते हैं बेचारे। चिराग ये इसलिए नहीं आएंगे कि बीजेपी ने पहले ही कह दिया है कि नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री। तो वो तो किए हैं तो वो तो घोषणा किए हैं बेचारा और वो तो घोषणा कोई भी कर सकता है। बेचारा हर सभी को बेचारा क्यों कहते हैं? हमारा कहने का मतलब है कि सभी तो बेचारा बिहारे के हैं
है और सभी को अधिकार है ही है। वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, चिराग पासवान बन सकते हैं, उसके कौन सिद्धि तो हैं जे भी बन सकते हैं। वो तो बेचारा जे उभर के आवेंगे, जिसको बहुमत ज्यादा मिलेगा जो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप बदलाव चाहते हैं तो किसको देखना चाहते, आप किसको देखना चाहते हैं? फिर बोलते किसको हम कहें, बताइए आप ही, हम किसको बेचारा के कहें, कौन आ जाएगा जिसको, या कोई भविष्यवाणी बता सकता है? हम लोग भविष्यवाणी तो बता नहीं सकते हैं।